हेलो व्यूवर्स, हैप्पी होली। होली के इस पावन अवसर पर मैंने मालपुआ बनाया है जो कि बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट है। तो इसका रेसिपी देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से हैप्पी होली। मालपुआ वैसे तो कई तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि मैदे में दूध डालकर उसे रात भर फर्मेंट करके बनाते हैं, सूजी और मैदे को लेकर दूध डालकर या रबड़ी डालकर उसे फर्मेंट करते हैं 4-5 घंटे के लिए और फिर बनाते हैं। लेकिन मैं आज होली स्पेशल बना रही हूँ और इतना समय नहीं है, इसलिए मैं इंस्टेंट बनाना चाहती हूँ, तो झटपट बन जाएगा ये और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चले हम अपना इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंस्टेंट मालपुआ बनाने के लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है और उसी कप को मेजरिंग करके मैंने 1/2 कप रवा लिया हुआ है, जिसे सूजी सेमोलिना भी कहते हैं, और ये बहुत ही बारीक है। यदि आप मोटा यूज कर रहे हैं तो उसे एक बार मिक्सी जार में चला लें तो वह बारीक हो जाएगा। और उसका घोल बनाने के लिए मैंने दूध, थोड़ी सी शक्कर और मैंने मावा का यूज किया है। तो सबसे पहले हम मावा को तोड़कर एक मिक्सी जार में डाल लेंगे। मावा डालने से हमारे मालपुए में रिचनेस आएगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अब मालपुआ हमारा सिंपल और बिना शक्कर का ना लगे, इसलिए हम 2 से 3 चम्मच इसमें शक्कर डाल देंगे। तो मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ इसमें, और थोड़ा सा हम दूध डालेंगे कि जो मावा है हमारा, जो गुटली ना पड़े, उसका अच्छा पेस्ट बन जाए। तो मैं इसे मिक्सी जार में पेस्ट बना लेती हूँ। हम एक बड़ा बोल लेंगे जिसमें हमें अपना घोल बनाना है। तो सबसे पहले हम गेहूं का आटा इसमें डाल देते हैं और अपना सूजी रवा भी डाल देंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मावा और दूध डालकर जो हमने पेस्ट बनाया था, अब उसमें सबसे पहले हम उसे डालेंगे और इसे हम धीरे धीरे चलाकर एक घोल बनाने की कोशिश करते हैं और बाकी का हम इसमें दूध डालकर इसका पतला घोल बनाएंगे। हम इसमें दूध डालकर बिना लम्स पड़े इसी तरह चलाते हुए थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और एक पतला घोल बना लेते हैं। ये देखिए हमारा फाइन पेस्ट, हमारा फाइन घोल तैयार हो चुका है। इसे जितना हम इस तरह से फेटेंगे उतना ही हमारा सॉफ्ट मालपुआ बनेगा। तो इसे घोल बनाने के लिए मैंने 1 और इतना दूध मतलब 2 ग्लास दूध हमारा लग चुका है और इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस तरह से कि हम जब गिराएं तो इस तरह से धार गिरना चाहिए। तो अभी हम इसे ढककर रख देते हैं। अभी तक हमने अपने बैटर में कुछ नहीं डाला है स्वाद देने के लिए, तो उसमें हम एक खलबट्टे में 5 से 6 हरी इलायची, उसमें थोड़ा सा तीखापन बहुत अच्छा लगता है, ये ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो 1/2 चम्मच मैं काली मिर्च डाल रही हूँ और उसमें मालपुए में सौंफ का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें 1 बड़ा स्पून मैं सौंफ डाल रही हूँ। इतना सा मैंने सूखा नारियल लिया हुआ है, आप गीला भी ले सकते हैं। इसे मैं कद्दूकस करके डालूंगी, इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो इन सभी को मैं ज़्यादा बारीक नहीं, खाली सिर्फ इस तरह से कूट लूंगी कि उसका जो बाइटनेस है थोड़ा सा वो मालपुए में आए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसमें कूट लेती हूँ।
अब इस बैटर में हमने कुछ भी नहीं डाला था, तो हमने मैंने बताया था कसा हुआ नारियल डालेंगे, तो उसे मैंने कस लिया है। तो मालपुआ है तो माल तो जाना ही चाहिए इसमें। और ये मैंने जो काली मिर्च, इलायची और सौंफ को कूटा था उसका इस तरह से मैंने हल्का सा कूट लिया है, तो वह डाल देंगे। जो थोड़ा सा दूध बचा था उसमें मैंने केसर को घोल लिया है, तो मैं केसर चाशनी में ना डालकर मैं इसमें डाल रही हूँ। केसर हमने इसमें डाल दिया। इसमें हम एक पिंच नमक डालेंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट को मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है बारीक बारीक, तो उसे हम डालेंगे। इसमें मैंने बादाम और काजू लिया हुआ है, तो थोड़ा सा ये भी डाल देंगे। ऊपर से हम गार्निशिंग भी करेंगे, लेकिन हम ऊपर से इसमें भी डाल देते हैं कि जो खाए तो उसके मुंह में आना चाहिए। मालपुआ है तो माल तो जाएगा ही इसमें, बिना माल के तो मालपुआ मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो केसर डालने से मेरे बैटर का रंग बदल रहा है, थोड़ा सा येलोइश हो गया है। अब हम चाशनी बना लेंगे। तो एक कटोरी मैंने शक्कर लिया हुआ है और उसी कटोरी में हम पानी डालेंगे और एक कटोरी हम उसी कटोरी से हमने पानी मेजरिंग किया हुआ है उतना ही हम पानी डालेंगे और शक्कर घुलने तक इसे हम पकाएंगे। इसकी हमें मोटी चाशनी नहीं चाहिए, एक तार की दो तार की चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें शक्कर पिघलने तक और थोड़ा सा दो मिनट और पकाने पे जब हाथ में लेके हम इसे ऐसे ऐसे करें तो चिपकना चाहिए। शक्कर हमारी घुल गई है या घुलने लगी है, तो इसमें हम एक इस तरह से गोल काटकर या एक टुकड़ा नींबू का डाल देंगे। नींबू डालने से इसका एक तो स्वाद बढ़ जाएगा और इसमें क्रिस्टल, शक्कर के जो क्रिस्टल बनते हैं जम जाता है, वो नहीं जमेगा और हमारा शक्कर भी एकदम साफ हो जाएगा। तो शक्कर हमारा एकदम साफ ही है, कचरा नहीं है। ये देखिए अब शक्कर भी घुल चुका है। इसमें हमने 5 से 6 इलायची को कूट लिया है, तो उसका पाउडर डाल देंगे। इस समय आप केसर भी डाल सकते हैं। हमें इसे एक तार की या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है। शक्कर हमें इतना गाढ़ा चाहिए जब हाथ में ले तो इस तरह से करें तो चिपकना चाहिए, सिर्फ हाथ में स्टिकी स्टिकी होना चाहिए, उतना ही हम इसे पकाएंगे। शक्कर अच्छी तरह से घुल चुका है, अब हम अपना नींबू इसमें निकाल देते हैं। दो मिनट में हमारी चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। इसका चेक हम ऐसा करेंगे, एक कटोरी में इसे हम थोड़ा डालकर देखेंगे और ये ठंडा होने के बाद में जब इसे हम हाथ में इस तरह से लेकर ऐसे से करेंगे ना, तो चढ़ा चिपचिपा लगता है, तो समझ जाएं कि हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। मालपुए के साथ में वैसे तो रबड़ी खाई जाती है, लेकिन मैं आज एक नया ट्विस्ट दे रही हूँ, उसे मैं एप्पल जैम के साथ में सर्व करूंगी। तो जिसके लिए मैंने एक एप्पल लिया हुआ है, तो इसे मैं छील लूंगी और कद्दूकस कर लेती हूँ। एप्पल जैम बनाने के लिए मैंने एक पैन रख दिया है जिसमें मैंने तेल, मक्खन कुछ भी नहीं डाला है और मैंने एप्पल को ग्रेट कर लिया है। तो सबसे पहले हम उसे डाल देते हैं पैन में और 2 से 3 चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार मीठा आपको जितना पसंद हो इसमें हम शक्कर डालेंगे। तो अभी तक फिलहाल मैं 2 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा सिरप भी शक्कर का ही है और हमारे बैटर में भी थोड़ा शक्कर है, तो अपना शक्कर हम बैलेंस करेंगे, ज़्यादा नहीं पड़ जाए। तो इसे हम पानी सूखने तक या एक जब तक इसमें शाइनिंग नहीं आ जाती, पानी पूरा सूख जाएगा और एक शाइनिंग आ जाती है, शक्कर का एक तरह से कोटिंग हो जाता है एप्पल के ऊपर, तो तब तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए पूरा पानी सूख रहा है,
अब इसमें हम दालचीनी का पाउडर डालेंगे सिर्फ एक पिंच, बस इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा पानी अभी भी बाकी है, शक्कर एकदम परफेक्ट है, तो दो चम्मच में हमारा काम हो गया। थोड़ा पानी और है तो इसे भी हम सुखा लेते हैं। एप्पल का पूरा पानी सूख चुका है और एप्पल हमारा पक भी गया है। अब इसमें हम एक दो बूंद देसी घी डाल देंगे, या आप मक्खन भी डाल सकते हैं। इसे चलाकर अब हम साइड में रख लेते हैं। तो हमारा मालपुए के साथ में सर्व करने के लिए जैम भी रेडी है। मालपुए को हम घी में फ्राई कर रहे हैं, तो मैंने इतना घी लिया हुआ है मालपुआ को फ्राई करने के लिए। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है, अपने बैटर की तरफ चलते हैं। बैटर हमारा साइड में रखने से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो थोड़ा हम इसमें दूध या पानी कुछ भी मिक्स करेंगे। तो मिक्सी जार में बहुत सारा हमारा पेस्ट जो बनाया था मैंने मावा और दूध का, तो थोड़ा सा उसको मैंने धोकर, क्योंकि उसमें घी बहुत निकल आया था, तो उसे मैं इस बड़े स्पून से एक स्पून पहले में डालकर इसे मिलाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पतला घोल नहीं चाहिए। ये सूजी के डालने की वजह से थोड़ा सा बैटर हमारा गाढ़ा हो चुका है। जिसे मैं इस तरह से पोर कर रही हूँ तो गाढ़े रूप में गिर रहा है, तो उसे मैं पतला बनाने के लिए एक स्पून और डालूंगी इस तरह से। और इसे हिला लूंगी। हमारा बैटर पतला हो चुका है, ये देखिए अभी तुरंत गिर रहा है। अब इसमें हम, वैसे तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा जब हम इसे फ्राई करेंगे, लेकिन और सॉफ्ट हमें बनाने के लिए मैंने इस स्पून से एक स्पून, बहुत ही छोटा है स्पून, खाने का सोडा हम डालेंगे, जिससे कि हमारा जो मालपुआ है और सॉफ्ट होगा, जिससे चाशनी अच्छी तरह से अंदर जाएगी। तो अब हमारा धीरे धीरे चलाएंगे, बैटर रेडी है तलने के लिए। घी हमारा बहुत ही हल्का गर्म हुआ है और इतना ही गर्म चाहिए हमें। आज हम लो टू मीडियम पे रखेंगे, तेज नहीं करेंगे, क्योंकि इसे बहुत अच्छी तरह से कुरकुरा फ्राई करना है हमें। तो एक छोटा सा स्पून ले लें, या जितना बड़ा आपको बनाना है वो भर के हम इसमें एक जगह पर ही डालेंगे, ये अपने आप शेप बन जाएगा। तो ये देखिए एकदम लो मीडियम पे या मीडियम पे करेंगे हम इसे। और एक मैं और डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत जगह है हमारे पैन में। तो वापस मैं एक स्पून भर के एक ही जगह पे मैं डालूंगी और बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी, वो अपने आप फैलकर अपना आकार ले लेगा। ये देखिए इसमें और जगह है, तो मैं इसमें और डाल सकती हूँ। पहले वाले को हम धीरे से पलटते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा रंग आया हुआ है। बहुत डेलिकेट होता है, इसलिए बार बार उसे हाथ नहीं लगाएं। एक साइड, दूसरे साइड पर भी उसे फ्राई होने दें। तब से हम अपना दूसरा बैटर भी डाल लेते हैं। जो मालपुआ मैंने सबसे पहले डाला था उसे देखिए, इस साइड भी पक गया है और दूसरी साइड भी
पक गया है, मतलब ब्राउन कलर आ गया है, तो उसे हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। बहुत ही डेलिकेट होता है, इसे पलटने के लिए आप बहुत ही सावधानी से पलटे। मैंने कैमरा इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि तेल हमारे ऊपर ना उड़ जाए, इसलिए अभी ये बराबर कड़क हो चुका है, पहले बहुत ही सॉफ्ट था। ये देखिए, अब ये निकाल कर हम इसे अपना जो हमने शुगर सिरप बनाया हुआ है, चाशनी बनाई हुई है, उसमें हम डालेंगे, जिससे कि गरम गरम ही इसमें शक्कर पूरा अच्छी तरह से अंदर तक चले जाए। तो ये सब निकालने के लिए हम इसे सब निकाल लेंगे, इस छन्नी में इस तरह से रख देंगे कि बाकी का जो घी है हमारा वो धीरे धीरे अंदर चला जाए। ये देखिए, बहुत ही सुंदर कलर आया हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है। आप जिस प्रकार गुलाब जामुन खाते हैं ना, उसका ही स्वाद देगा ये, क्योंकि हमने इसमें मावा डाला है, दूध से खोला हुआ है, ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ है, तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है हमारा मालपुआ। मैं बाकी के सब इसी तरह निकाल लेती हूँ, जिससे कि सारे घी हमारे इस पैन में चले जाए। जो शुगर सिरप हमने बनाया था चाशनी अपना, ये देखिए, अब उसमें हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए इसमें हम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे कि थोड़ा सा क्रंची रहे, मीठा रहे, सॉफ्ट रहे, उस हिसाब से। ये देखिए, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसके ऊपर हम चाशनी का सिर्फ एक बार डिप करेंगे और अब एक प्लेट में हम सजा लेते हैं इसे। मैंने प्लेटिंग कर दी है, अब इसके ऊपर हम काजू और बादाम को जो मैंने क्रश किया था उसे मैं गार्निशिंग के लिए यूज कर रही हूँ। और ये पिस्ता है, पिस्ते से भी गार्निशिंग कर देती हूँ। तो हमारा लीजिए तैयार है मालपुआ विद एप्पल जैम के साथ में। तो इसे एंजॉय करें और मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें।